जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव में खड़े उम्मीदवार प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रचार रैलियों से चुनावी पारे में काफी इजाफा हुआ है। यही हाल चंद्रपुर जिले के हॉट सीट कहे जाने वाली वरूरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र का है। पक्ष विपक्ष के साथ कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। इस दौरान जिला प्रशासन जहां मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है, तो वहीं प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपनी पार्टी से नाराज होकर चुनाव में नामांकन दाखिल किया है। इसमें वरूरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी कार्यकर्ता सुभाष जगन्नाथ ठेंगड़े का नाम भी शामिल है। बीजेपी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में ठेंगड़े पिछले कई सालों से बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट ना देकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए करण देवतले को चुनावी मैदान में उतार दिया। इस पर सुभाष ने एतराज जताया है। देवतले की झोली में टिकट जाने का विरोध करते हुए ठेंगड़े ने यह भी कहा कि पार्टी से नाराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले देवतले के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। सुभाष ने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी उनके समर्थन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र में ठेंगड़े को जनता का अच्छा प्रतिसाद है। सुभाष ठेंगड़े ने जनता से चुनाव चिन्ह एयर कंडीशनर को भारी बहुमतों से जिताकर लाने की अपील मीडिया के माध्यम से की है। आम्हाला पक्षाविरोधात नाराजगी नाही आहे, पण जो व्यक्तीला तिकीट दिली आहे करण देवतळे, तो काही काँग्रेसचा होता आणि मुळांतून त्याच्या घरापासून काँग्रेस घराणाशाही होता। एक दीड वर्ष दोन वर्षाच्या कालावधीत त्यानं, पाच वर्षाच्या कालावधीत त्यानं तिकीट घेतली शिवसेनेची, बीजेपीची, त्याच्यावर निवडणूक लढवली, त्यानंतर त्याचा पराभव झाला, त्यानंतर ते बीजेपीत आले आणि बीजेपीचं त्याचं काहीच कार्य नाही। जे आम जनता कार्यकर्ता आहेत, टोंगे साहेब, राजूरकर साहेब, ह्या लोकांचं कार्य असून माझं कार्य आहे 20-25 वर्षापासून त्या कार्यकर्त्याला डावलून ते दुसऱ्याला तिकीट देण्याच्या कारणामुळे आम्ही आपलं व्यक्तित्व सांगत आहोत। कार्यकर्ता जो चटई उचलणार आहे तो त्याच्यासाठी आमची ही लढाई।